एक फिल्म करने के लिए जो बैकबोन होता है ना, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। जैसे अगर सीधा साधा भाषा में बोलूँ, जैसे घर चलता है, पैसा तो जो है गार्डियन होते हैं वो कमा के लाते हैं, या हस्बैंड जो है कमा के लाते हैं, बट जो घर संभालता है, जो घर संभालती है वो है घर की माँ जो होती है ना। ऐसे ही ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है ना, वो घर की माँ जैसे होती है। तो ये अगर सही ढंग से हो, ये अगर सही ढंग से काम को कर पाए, तभी जाके घर अच्छा चलता है। इसी तरह ही फिल्म अगर अच्छा बनेगा तो पूरा जो काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालना पड़ता है। वो चाहे एक से लेकर सौ तक का जितना काम होता है, वो चाहे आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर कैमरा से, इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर लोकेशन से लेकर हर चीज़ को मैनेज करना जो होता है ना, जैसे ह्यूमन मैनेजमेंट जो चीज़ होता है, ऐसे ही सारा चीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थोड़ा सा हिल जाता है ना, आपका पूरा प्रोडक्शन हिल जाता है, पूरा फिल्म हिल जाता है। तो सुबह से लेकर शाम तक का जो शूटिंग जैसे पर डे का होता है, ऐसे ही लेके आपका पूरा फिल्म का शुरुआत से लेकर रिलीज तक पूरा चीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिपेंड करता है। सो जैसे मैंने बोला फैमिली की बात, जो लेडी होते हैं, जो माँ होते हैं, अगर वो अनपढ़ हो तो फैमिली चलाने में जैसे तकलीफ होता है, अगर वो पढ़ी लिखी माँ हो और सुविधा होता है। तो यही बात है कि आज जो ये जो इंस्टीट्यूट बना, तो अभी लोग सीखेंगे और प्रोडक्शन में आने से पहले, कोई भी काम शुरू होने से पहले उनको पता है कि पहले से क्या क्या करना है, उनको पता है। पूरा एजुकेटेड प्रोडक्शन लोग आएंगे कि ए से लेकर जेड तक जितना काम है पहले से तैयारी करके ये लोग आए हैं। तो क्या होगा ना, कोई तकलीफ नहीं होगा कोई फिल्म बनने से पहले, एकदम सारा चीज़ क्लीन रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट होता था। ये जो चीज़ है, ये जो स्टेप लिया है दिलीप जी ने, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जहाँ पे सारे लोग जो भी आएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, और अच्छे तरह से फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, इनको बार बार कंग्रेचुलेट करूँगा, और ऐसे ये अच्छे अच्छे लोग निकले जो कि अच्छे से फिल्म आगे जाएगा। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि कम से कम 20 साल से मैं सिखा रहा हूँ, और डायरेक्शन सिखाता था। फिर जब मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्शन की नॉलेज देना लोगों को, क्योंकि वो ही है बैकबोन एज अ डायरेक्टर आपके लिए, तो वो जब सिखाना शुरू किया तो देखा कि किसी को शौक ही नहीं है डायरेक्शन प्रोडक्शन सीखने का, क्योंकि उसकी कोई अवेयरनेस है नहीं। वो लोगों को लगता है कि यार ये मैनेजमेंट का काम है, ये इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, इसमें क्या क्रिएटिविटी है, इसमें क्या ज़रूरी है। लेकिन धीरे धीरे ये बताना कि भाई आज ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है जहाँ मैक्सिमम प्लेसमेंट मिलती हैं। आप एज ए डायरेक्टर या एज ए राइटर शायद आपको प्लेसमेंट में टाइम मिलेगा, लेकिन प्रोडक्शन, क्योंकि ये एरिया खुला हुआ है, यहाँ ज़रूरत है कंप्यूटर की नॉलेज वाले पढ़े लिखे लोग इस लाइन के अंदर आना, जिनको प्रोडक्शन के बारे में, एंड प्रोडक्शन का बिलीव मी इतना इंजॉयबल काम है ये, जो मैं तो एज ए डायरेक्टर रहा हूँ ना इतने साल, उसके बाद मैं प्रोडक्शन में आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन इज एज एंजॉयबल एज सॉल्विंग अ क्रॉसवर्ड पजल। आई मीन आफ्टर यू डू इट यू फील सो नाइस, एंड बिलीव मी पहला प्रिंसिपल हमारा प्रोडक्शन का ये होता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसे कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं दुनिया के अंदर जिसका सोल्यूशन ना हो। और उसी तरह से ये इंस्टीट्यूट, जो इट इज़ ए अपहिल टास्क, लोगों को अवेयर करना और लोगों को बुलाना और उनको ट्रेन करना इज ए डिफिकल्ट टास्क, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल, विल डू इट। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव एज अ सिनेमेटोग्राफर, दिस इज अ रियल ग्राउंड ब्रेकिंग टास्क दैट दिलीप इज डूइंग, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एजुकेट पीपल ऑन एवरी फैसेट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। So you have a lot of production people who don't know what a director has to deal with, what a cinematographer, or even art department. So really training and educating production people, whether it be a production controller, a line producer, a production manager, or where you start just as a production assistant, to really understand the resources and the requirements that are needed to complete all of our tasks. And I think also what Dilip can give to this education is really a foundation of honesty, and then a foundation of transparency, and then really showing each person real world experience. And that's something that a lot of people lack. You can quickly call yourself anything you want, a director, a producer, an actor, but to really understand in everything from the ground up what it takes, and as our director friend said, production can really be a creative task. It's not just about numbers. It can be something that's very enjoyable.
And that's one thing that I think Dilip has showed us all in his work, is that he enjoys his work. He looks at it as not a yes or a no, but really a creative problem solver. And that's something that I think every student could really take advantage of for the education. Thank you, sir. Okay, first of all, I hope it's okay if I talk in English, but first of all, it's fantastic. It's a fantastic opportunity for a lot of young people who want to get into the industry to learn how to produce. It is such a basic knowledge. It's a basic requirement in this industry. Like, so the thing is, what Flyking is offering is production, right? Product, learning how to produce. And the thing is, what, no matter what your role is in the entire filmmaking process, whether you're a writer, whether you're a director, whether you're an actor, whether you're no matter a producer, no matter who you are, it is extremely important to know what production means, what goes into production. So for example, I as a producer, when I deal with clients, if I don't understand production, I will never be able to make a proper budget sheet. And if I don't make a proper budget sheet, I will go into a loss. It's a basic understanding of how production works that even I as a producer need to know. When a writer or a director comes up with a concept, he needs to understand what the budget is and what is going to go into the production of his concept in order to make it fit within that budget. And he has to write a concept accordingly. So, us hisab se, what Dilip, and it's really surprising that even though it's such a basic requirement, nobody is teaching it. Nobody is teaching it the way it's going to be taught now. And I'm so glad that Dilipji has taken this initiative and, you know, he's spearheaded this whole campaign of Flyking Academy. I think it's fantastic. And I think that I personally, as a producer also, would like to go and attend some of his classes to, you know, to learn more. Because it is, no, I'm not even kidding. I'm serious. It's very important to understand production. And like someone over here said earlier, production is like a creative puzzle that you're solving. It's a lot of fun. And I think that there's so many different aspects to it. There's like understanding technicals, understanding your camera, lights, etc. Understanding how to deal with people, how to deal with locations, how to deal with the government, how to manage celebrities, how to manage clients. Aside from all the hard technical knowledge, there's also a lot of soft skills training. Jo deni padti hai. So for example, a production manager should also know how to speak to talent, or how to speak to a client, or how to, say for example, arrange the layout of the shoot in such a way that the client sits on the other side and does not disturb the director. These are very small things, you know, but it's very important. And these are what make up the entire experience of a set. So I feel like a production manager is critical to the experience on set, the experience of a shoot, and how clients enjoy the shoot, how production houses you know, deal with their shoots, and how directors and talent also enjoy their shoots. So I think this is a great initiative. Thank you so much for taking this up. Thank you and so taking much. This responsibility. Or nibhana responsibility ko, of course. I'm sure you will. Yeah. Thank you everyone. Thank you so much. Yeah. And once makeup styling apne point se. ये बोलना चाहूँगा, पहले तो दिलीप सर को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, दिलीप सर, और मैं कुछ ही बात करना चाहूँगा दिलीप सर के साथ, बिकॉज मैंने वो एक्सपीरियंस किया है. मैंने सन 2016 में सर को ज्वाइन किया था और आज दो साल में मैंने कम से कम 600 प्लस ऐड किया होंगे. तो मैं दिलीप सर को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका. थैंक यू. देखिए, जब भी मैं 18 साल से पहले ही मैं प्रोडक्शन करते करते आ रहा हूँ, 18 साल पहले से मैं प्रोडक्शन करते करते आ रहा हूँ, मैं तब से देख के आ रहा हूँ. जब भी प्रोडक्शन में मेनली कभी जब भी डायरेक्टर इंतज़ार करता है कैमरा के लिए, कैमरा कभी पहुँचता नहीं, कभी जनरेटर नहीं पहुँचता है, कभी है, तो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि एक सीनियर दूसरे को गाली देता है, यार मैं तेरे को बोला था तुम बुलाए नहीं, अरे उसको तो टाइम दिया था तुम नहीं बुलाए. मैं 18 साल हो गया ये चीज़ देखते 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 आ रहा हूँ. एंड मैं खुद ये बारे में सोचा कि जब भी मैं इतने साल ये इंडस्ट्री में दे दिया है, एंड मैं ढूंढते रहा कि सब चीज़ का कोर्स है तो क्यों प्रोडक्शन का कोर्स नहीं बनाया जाए. तो मैं खुद
6 महीना हो गया इसी के ऊपर रिसर्च किया एंड क्या प्रोडक्शन लोग को क्या चाहिए, असिस्टेंट को क्या चाहिए, मैनेजर को क्या चाहिए, लाइन प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, तो उसके बारे में मैं फिर खुद लिखा। देखिए एक बात बताता हूँ, हर चीज़ का जब भी कोई कोर्स होती है तो क्यों प्रोडक्शन का कोर्स नहीं होता है? प्रोडक्शन का कोर्स मैक्सिमम इंडस्ट्री में क्या है, सब लोग करते करते एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को असिस्टेंट करते करते सीख जाते हैं। बट यहाँ जब भी बेस नॉलेज, एक बोलते ना किसी बंदे का अगर शुरुआत में एक बेसिक नॉलेज मिलता है कैमरा के बारे में, लाइट के बारे में, आर्ट के बारे में, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से एंड ऑल टेक्नीशियन का मैंने सब पूछा है, बड़े बड़े दिग्गजों को पूछा है, मैं स्टार्ट करने से पहले सर मैं ऐसी चीज़ कर रहा हूँ शायद लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो नहीं, फिर बाद में मैं सोचा जब भी 100 लोग को पूछा 80 लोग बोले नहीं फैंटास्टिक दिलीप तू करते जा एंड बहुत अच्छी चीज़ है, ये इंडिया में नहीं आप मैक्सिमम वर्ल्ड में 2-3 इंस्टीट्यूट है, खाली थोड़ा सा प्रोडक्शन के बारे में सिखाया जाता है। प्रोडक्शन मींस बहुत चीज़ आता है, प्रोडक्शन मींस कैमरा आता है, लाइट में आता है, दुनिया भर के आता है, बट जो प्रोडक्शन मैनेजर का शुरुआत होता है उसके लिए तो मैंने सोचा है एंड उसके ऊपर सिलेबस लिखा है एंड बनाया। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि इतने बड़े 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 डायरेक्टर है, राइटर है एंड DOP है, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, जो बड़े बड़े दिग्गज आए थे आपके सामने आप देखे, तो ओनली मैंने ये जो 18 साल का मेहनत है मैं उनके साथ काम करते करते मतलब उनको रिलेशन बनाया एंड उन्होंने मेरे काम भी देखे एंड उनको जानते ये बंदा जो कर रहा है रियली बहुत ट्रू सिस्टम होगा एंड जो जो करने जा रहा है ये इंडस्ट्री का एक नयापन है एंड थोड़ा बदलाव लाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, तो उसी के वजह से उन्होंने जुड़े एंड मैं सबको थैंक यू बोलूँगा वो मेरे इवेंट में आए एंड मेरे को मेरा हौसला बढ़ाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कौन से स्टेट में होंगे इंस्टीट्यूट्स? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग जब भी मेरे को यही क्वेश्चन पूछे थे कि दिलीप ये कहाँ होगा, तेरा ऑफिस कहाँ होगा। एक्चुअली मेरा ये शुरुआत है, पहले कोई ऑनलाइन नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑफिस होगा जो लोकेटेड है गोरेगांव है। सब लोग सोचते थे शायद बॉम्बे में होगा, ये बॉम्बे नहीं, ये टोटल ऑल इंडिया से बंदे आएंगे एंड उनको अच्छा रहने का भी फैसिलिटी दिया जाएगा एंड सीखने का भी फैसिलिटी दिया जाएगा एंड जो ये 6 महीने का कोर्स है उसमें से थियोरिकल के साथ प्रैक्टिकल दिया जाएगा। जो बंदा यहाँ पे थियोरिकल सीखता है क्लासेस में, प्रैक्टिकल क्लासेस में सीखता है, बट उसको जाके ऑन लोकेशन में जाके पढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल, कोई बंदा कैमरे के बारे में पढ़ता है, जब भी कैमरा लेंस के बारे में पढ़ता है, लेकिन वर्ल्ड का कोई ऐसे एकेडमी नहीं है जो क्लास में थियोरिकल साथ पढ़ा के विद इन 1 मंथ में जाके ऑन सेट में उसको इंटर्नशिप कराएगा, उनको टीचिंग कराएगा। ये 6 महीने का कोर्स के अंदर एक बंदा 1 महीने के बाद आके जाके तुरंत 1 महीने के अंदर ऑन सेट में जाके काम करेगा। आप सोचिए कोई गरीब घर का लड़का, आप इंडिया में आप जानते होंगे बहुत सारे जो गांव के विलेजर आते हैं उनके मन में सपना रहता है कि मेरे को स्टार बनना है। देखिए फिल्म इंडस्ट्री मतलब स्टार एक्टर एंड कैमरामैन एंड एडिटर, ये मैक्सिमम 3 चीज़ को ध्यान देता है, बट मेरा ये आगाज़ है इसके पीछे कम से कम 70-80 डिपार्टमेंट है एंड 70-80 डिपार्टमेंट को हम लोग मीन्स प्रोडक्शन हैंडल करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, सारे 70-80 डिपार्टमेंट का रिमोट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक स्क्रिप्ट जब भी आता है, सपोज एक स्क्रिप्ट शूटिंग का 15 दिन के पहले एक स्क्रिप्ट आता है, स्क्रिप्ट को सोचिए डायरेक्टर के पास बात जाता है लेकिन पहले आता है प्रोड्यूसर के पास, ही इज़ द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एक लाइन प्रोड्यूसर का आता है। आप सोचिए लाइन प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो कि 15 दिन में क्या शूट होगा एक लाइन प्रोड्यूसर को विजुअल लेता है, मेरा आर्ट क्या होगा, मेरा कॉस्ट्यूम क्या होगा, मेरा डायरेक्शन क्या होगा, मेरे लाइट रेफरेंसिंग क्या होगा एंड मेरा डायलॉग क्या, एवरीथिंग। तो सोचिए एक लाइन प्रोड्यूसर को, एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को कितना स्ट्रांग बनना चाहिए। डायरेक्टर 15 दिन के शूट का टाइम में
दस दिन के पहले आता है, दो तीन मीटिंग करता है, उसके बाद वो एक विजुअल लेते हैं। बट एक लाइन प्रोड्यूसर, एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर 15 दिन के पहले पूरा फिल्म का विजुअल लेता है। तो प्लीज़ मेरा यही है कि सब लोग यहाँ पे आए, जो प्रोडक्शन टीम में आते हैं, प्लीज़ ये एक एकेडमी है, एक सीखने का माध्यम है। अगर ये थोड़ी सीखते हैं ये चीज़ में, इन फ्यूचर में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड फिल्म इंडस्ट्री में जो हम लोग आज तक सुनने में आए, यार प्रोडक्शन कुछ काम नहीं मिला तो प्रोडक्शन में घुसा दो, बट मेरा ये क्यों कोई काम नहीं किया प्रोडक्शन में घुसने का। मैं ये बोलता हूँ कि इंसान ऐसे दिमाग में हौसला बना के रखे कि मैं प्रोडक्शन मैनेजर बनने जाऊँगा, मेरा प्रोडक्शन मैनेजर को लेके मैं कैरियर बनाऊँगा, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लेके कैरियर बनाऊँगा। तो प्लीज़ जितने भी मेरा यंग जनरेशन है इंडिया का, पूरा जितने भाइयों बहन है, जितने भी आता है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्लाइकिंग फिल्म एकेडमी, जो कि कभी पैसा को नज़र नहीं रखता है, ओनली रखता है सिखाने के नज़र में। हम लोग अभी भी सीखते हैं एंड एक अच्छा सोल्यूशन आएगा, इंडस्ट्री में एक नया बदलाव आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, फ्लाइकिंग एकेडमी जो है, इट्स डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्सेज, जो अपने आप में एक बहुत ही नोबल कंसेप्ट है, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है हमारे देश में। और ऐसे एकेडमी की हमारे देश को बहुत ज़रूरत थी, जो प्रोडक्शन का नॉलेज दे स्टूडेंट्स को। डायरेक्शन और एक्टिंग के कोर्सेज तो हर जगह है, और यू नो लाइक पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू डायरेक्शन एंड एक्टिंग, बट देन प्रोडक्शन एक ऐसा चीज़ है जो कि एक फिल्म का बैकबोन है, और प्रोडक्शन का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एक प्रॉपर फिल्म बनने के लिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड कंसेप्ट। मणिकर्णिका में एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक मणिकर्णिका, एंड विच इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, यू नो, रानी लक्ष्मीबाई जो कि एक फ्रीडम फाइटर रही है, जिनके बारे में हर कोई जानता है, हर इंडियन जानता है, वो हमारे दिलों में बसी है। और उनके बारे में हम बचपन में हिस्ट्री बुक्स में तो पढ़े ही है, नाना नानी पापा मम्मी हर किसी से उनकी कहानियाँ सुनी है, और उनकी इस स्ट्रगल को क्लोजली देखना और उसको महसूस करना, आई थिंक वो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। तो आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड बी पार्ट ऑफ सच अ नोबल फिल्म। मुझे सिर्फ इस बात पे प्राउड है कि यू नो ये जो फिल्म है ये एक रानी लक्ष्मीबाई जैसे एक हीरो के ऊपर आधारित है। बाकी इसमें बहुत ही बड़े बड़े आर्टिस्ट ने काम किए हैं, अतुल जी है, कंगना है, और भी बाकी सारे जो आर्टिस्ट है, और हमारा जो डायरेक्टर है क्रिश सर, वो भी एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ देम, बट आई थिंक मोस्टली आई एम प्राउड बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, दैट्स व्हाट मेक्स मी प्राउड। पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी, और जिस हिसाब से मैंने उनके इंटरव्यू देखा और उन्होंने बताया कि उनमें कितनी लगन थी, एक उन्होंने प्रोडक्शन हाउस करने के बारे में सोचा और आज उन्होंने उसको करके दिखाया, तो उसके हौसले का पता चलता है कि जो वो चाहते थे उन्होंने वो करके दिखाया। और प्रोडक्शन हाउस इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट, उससे पूरी क्रिएटिव टीम मेम्बर काम करती है, तभी एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट बनता है तो मार्केट में उसकी वैल्यू ही उस हिसाब से बनती है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि एक्टिंग उसमें सिखाई जाएगी, और देखिए एक एक्ट्रेस जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अगर कोई भी एक्टर है उसने कोई प्रोजेक्ट करा तो दैट मीन्स ये नहीं कि उसका से सफ़र ख़त्म हो गया कि अब वो एक अच्छा अभिनेता बन चुका है तो अभी उसको कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा सीखता रहेगा। मैं अपने केस में अगर मैं अपने बात करूँ तो मुझे भी सीखना है, तो ये एक लाइफ जर्नी है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक्टिंग का भी सिखाने को दिया जा रहा है। वो अपनी तरफ से 100% देंगे, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, जितने भी डाउट्स होते हैं, तो वो उनके क्रिएटिव टीम मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा, तो बहुत ही अच्छे से उनको जो हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे उनको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। ओके, इसमें अलग सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस कैसे बनता है उसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज दी जा रही है, क्योंकि कोई भी वर्कशॉप होता है वहाँ पे एक्टिंग के बारे में सिखाया जाता है, किस तरह से आप
उसमें एक्ट करना है, आपका वॉइस का, आपके शब्दों पर, आपके डिक्शन पर, उस पर वर्क किया जाता है। लेकिन इस प्रोडक्शन हाउस में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, कैमरा मैन की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कैमरे का क्या रोल होता है, लेंस का क्या रोल होता है, लाइटिंग का क्या रोल होता है, तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन उनको उसके प्रोडक्शन हाउस के बारे में नॉलेज दी जाती है। जी, बिग बॉस से मुझे बहुत बड़ा ही फेम मिला है। बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है, नंबर वन रियलिटी शो है, जिसने मुझे एक अलग पहचान दी है। जहाँ पे लोकेश को कोई नहीं जानता था, सिर्फ उसके फ्रेंड सर्कल में ही जानते हैं, उसके फैमिली में ही जानते थे, लेकिन आज पूरा इंडिया जानता है। अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो न्यूज़ में आ ही जाता है। तो यस, ऑफकोर्स बिग बॉस से मुझे बहुत बड़ा फेम मिला है। अब उस फेम को कैच करके मुझे वर्क करना है, क्योंकि लोगों की उम्मीद बनती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बिग बॉस में आई थी तो ही इस इंडस्ट्री के आने का मैंने सोचा था, बिग बॉस से पहले भी मुझे इसमें आके वर्क करना था। अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी, अभी मैंने अल्ट बालाजी के साथ वेब सीरीज़ की है, तो उसमें आप मुझे देखेंगे। और इसके अलावा मैंने कश्मीर में अपना मूवी मैंने साइन की है, तो वो मेरा शूट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो उसमें आप देखेंगे। और बहुत मेहनत करके बनाई है, तब मुझे जब मैंने वो अपना कश्मीर में मैंने शूट किया, तब मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि प्रोडक्शन हाउस की क्या वैल्यू होती है। तो मैंने, जैसे कि आपको पहले भी लास्ट में बताया था, मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि लोकेश आपका दिमाग बहुत चलता है, बहुत क्रिएटिव हो, मतलब आपको आप खुद ही आइडियाज़ देते हो, सर आप यहाँ से लो, सर ये वाला लेंस लगाओ, सर गोप्रो कैमरा कहाँ पे लगाए। तो वहाँ से मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिली और बहुत कुछ सीखा मैंने उधर, और अपना ओपिनियन भी मैंने शेयर किया कि हाँ मैं क्या इमेजिन कर रही हूँ और आपका क्या इमेजिन है, तो वो मैच कर एक अच्छा प्रोडक्ट बना। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वाकई में ही अगर आप प्रोडक्शन हाउस में काम करना चाहते हैं तो आप आइए यहाँ पर, और यहाँ के जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसको लीजिए और आप वर्क कीजिए।